हेलो जी, नमस्कार जी। मैं हूँ ओम शिव डीपी। हमारी चैनल डीपीज किचन वेज एंड वीगन में आप सबका दिल से स्वागत है। आज हमारे एपिसोड में हम बना रहे हैं गुजराती मेथी ना मोठिया। ये एक फ्रिटर्स है जिसे हम स्टीम करके भी खा सकते हैं, तड़का देकर भी खा सकते हैं, डीप फ्राई करके भी खा सकते हैं। गुजराती मेथी मुठिया बनाने के लिए हमने लिया एक बड़ा कप मेथी के पत्ते धोकर बारीक काटकर, एक कप गेहूं का आटा, आधा कप बेसन, आधा कप चावल का आटा और दो बड़े चम्मच सूजी। उसके मसाले में हमने लिया एक कप बारीक कटी हुए धनिया पत्ती, नमक, धनिया जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, हींग, जीरा, तिल, दो बड़े चम्मच दही, एक चम्मच शक्कर, आधी चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच चाट मसाला, एक चम्मच अदरक मिर्ची का पेस्ट, आधी चम्मच लहसुन का पेस्ट और एक सेशे इनो। ये सभी मसाले आटे और मेथी के साथ में मिलाकर हम एक सॉफ्ट डो बनाकर इसे स्टीम करेंगे। हमारा गुजराती मेथी मुठिया का डो रेडी है। अब हम इसे सिलिंड्रिकल शेप देकर छोटे छोटे मुठिया बनाकर स्टीम कर लेंगे। अपने हाथ में थोड़ा तेल लगा लेंगे दोनों हाथों में और इसमें से एक थोड़ा पोर्शन निकाल लेंगे और इसे ऐसे लंबा करके एक सिलिंड्रिकल शेप दे देंगे। ऐसे हम सभी मुठिया बना लेंगे और बाद में स्टीम कर लेंगे। हमने सभी मुठिया रोल करके रख दिया है। ये छोटा मुठिया आप ऐसे ही सभी भी बना सकते हो। अगर आप ऐसे बनाते हैं तो उसे स्लो फ्लेम के ऊपर डीप फ्राई करना है। बहुत ही खस्ता बनते हैं और बहुत दिन टिकते हैं। स्टीमर में पानी उबल रहा है। अब हम इसमें हमने जो ग्रीस करके स्टीम ट्रे रखी है मुठिया डाल के, वो स्टीम करने के लिए रख देंगे और ढक्कन लगा के 10 से 15 मिनट तक स्लो आंच के ऊपर उसे पकने देंगे। चेक कर लेते हैं, 10 मिनट हो गए। हमारे मुठिया रेडी है। इसे ढक के गैस बंद करके इसे हम 5 मिनट पकने देंगे। हमने तेल गरम कर लिया है। अब हम इसमें सरसों के दाने डालेंगे और थोड़ा मिला लेंगे। जैसे ये तड़कने लगते हैं हम इसमें जीरा डालेंगे, उसे भी थोड़ा हिला लेंगे। अब हम इसमें करी पत्ता और बोर मिर्चा डालेंगे। बोर मिर्चा गुजरातियों की खासियत है। वो लोग अपने किचन में बोर मिर्चा ही यूज़ करते हैं, लंबे लाल मिर्ची नहीं यूज़ करते। अब हम इसमें तिल डाल के मिला लेंगे। और उसमें थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे और उसे भी मिला के अब हम हमारे मुठिया जो हमने काट के रखे हैं उसको डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। इसे ढककर नहीं पकाना है क्योंकि ढक्कन रखने से ढक्कन में स्टीम होती है तो ये मुठे के ऊपर गिरती है तो स्वाद खराब हो जाता है। इसे ऐसे ही मिला के छोड़ देंगे और पकने देंगे। दोनों बाजू थोड़े थोड़े ब्राउन कलर आ जाए। मुठिये के तड़के में मेन इंग्रेडिएंट्स तिल रहता है और राई रहती है। कलर आ रहा है, ऐसे पलटते पलटते दोनों बाजू थोड़ा थोड़ा कलर आएगा, अच्छा दिखेगा, थोड़ा क्रिस्पी रहेगा, थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, बहुत टेस्टी लगता है, तीखा मीठा।
क्योंकि मेथी है तो हमें शक्कर डालना ज़रूरी है उसकी कड़वाहट को बैलेंस करने के लिए। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो अगर बच जाते हैं तो फ्रीज में रख सकते हैं और दूसरे दिन इसे खा भी सकते हैं ऐसे ही गर्म करके, और या तो इसके डीप फ्राई करके भी बहुत ही करारे बनाकर भी खा सकते हैं, बहुत बढ़िया स्वाद आता है उसका। वैसे ये 4-5 दिन तक रहते हैं, ख़राब नहीं होते। हमारे गुजराती मेथी के मुठिया रेडी है। अब हम गैस बंद कर देंगे और सर्व कर देंगे। हमारे गुजराती मेथी मुठिया रेडी है। इसे आप ग्रीन चटनी, लहसुन की चटनी या दही चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। चाय के साथ तो बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। आप ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर चखिएगा और बताइएगा। हमने इंग्रेडिएंट्स के अंदर इनो बताया है लेकिन हमने उसका यूज़ नहीं किया है क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं लगी। हमने दही डाला है और तेल भी डाला है तो उससे हमारे मुठिया बहुत ही सॉफ्ट बन जाते हैं। इनो की या पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि मेथी और धनिया पत्ते में पानी रहता है तो उसी में हमारा डो बन जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में गुजराती मेथी मुठिया के इंग्रेडिएंट्स और उसी के साथ में डिटेल में प्रोसीजर दिया है और हरी चटनी की लिंक भी दी है जिसकी लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगी, और लाल लहसुन की चटनी की भी लिंक दी है जिसकी लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी और बहुत जल्दी बनता है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल सजेशंस और ओपिनियन ज़रूर लिखिएगा, हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। हमारे एपिसोड संडे और थर्सडे को दोपहर को 2 बजे अपलोड होते हैं। हमारे फेस्टिवल स्पेशल के एपिसोड सुबह 10 बजे अपलोड होते हैं। ज़रूर देखकर हमें सपोर्ट कीजिएगा। हमारी चैनल को सपोर्ट करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, हमें बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, सुखी रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।